रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे व्यूअर्स, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह भी आपको अपने बच्चों पर सलामती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा चैनल माजी अरफन मौला है, प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो जल्द जल्द आप तक पहुँच सके। उसके बाद आप पे इस पर आज मेरी बेटी ने कहा है कि मामा मैं रोज़ाना नाश्ता बनाती हूँ, आज मुझे आप अपने हाथ से नाश्ता बना के दे। तो वही होता है माँ के हाथ की रोटी पराठे जो कुछ भी है। तो व्यूअर्स, आज मैं उसको एक आमलेट और पराठा बना के दूँगी, तो खुद अपना भी नाश्ता बनाऊँगी। और मैंने कहा चलेगी, मैंने पराठा बनाना है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। है तो ये मामूली सी चीज़ है, लेकिन चले हर चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी मैंने करना है आपके साथ शेयर कि मैं बहुत अरसे बाद ये पराठा बनाने लगी, इसलिए मैं ना उसके लिए पराठा बनाने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस ये मैंने आमलेट तैयार कर लिया, बस मैं ना चकले बेलने पे नहीं बनाती हूँ, मुझे उस पर बिल्कुल नहीं बनाना आता, तो मैं हाथ से बनाती हूँ। मैंने सिर्फ एक ही पराठा बनाना है बेटी के लिए। फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर दूँ, फिर थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा, क्योंकि मुझे चिमटे से भी पकड़ने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे मैं हाथ से ही बनाती हूँ। ये तैयार हो गया, खाना तो नहीं है मैंने, लेकिन दिल देख के दिल कर रहा है। अब मैं बनाने लगी हूँ आमलेट, घी डाल दी। आमलेट को कटिंग के लिए मुझे चले जी, ये मैंने पीसीस कर लिए हैं। ये है तो आमलेट, लेकिन इसको मैं ना कहती हूँ फिश एग। मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है। अब मैं नाश्ते से पहले जो मेडिसिन मैंने खानी है वो मैं खाने लगी हूँ। और मैं ये देखिए, अब ये मैं नाश्ते से पहले की इंजेक्शन मैंने लगवा लिया है और अब ये मेडिसिन खाने लगी हूँ। ये पेनफिल है जो इंजेक्शन लगता है, ये देखिए। अब तो मैंने जैसे मुझे डेकोरेशन का शौक है, ये मेरा शौक कैसे है, मैंने इसको की बजाय मैंने इसको ये डेकोरेट कर दिया हुआ। ये देखें, ये मेरे नवासे की एक तस्वीर है जो एक साल का था, और एक ये मेरे नवासे की तस्वीर है। तो ऊपर मैं हूँ, ये मेरा नाश्ता है। चले मुझे जहाँ भी जगह मिले मैं वहाँ कुछ ना कुछ ला के देती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे और मैं इसी तरह आपको कुछ ना कुछ दिखाती रहूँ। इससे मेरी तकलीफ भी मेरी कम हो रही है, मुझे वो अपनी तकलीफ भूली हुई है। पराठा बनाया है और आमलेट बनाया है, बहुत मुद्दत बाद मैंने बना के अपनी बेटी को दिया है। आप मुझे प्रश्न बताइए कि अच्छा लगा, बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।